बेटे द साइज ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड केटाइंस, द साइज ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड केटाइंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. व्हाट आर लेंथेनॉइड केटाइंस? हमें पता है जो सीरियम के बाद शुरू होते हैं उनका जो साइज है उनका जो बेटे साइज है उनका डिक्रीज होता है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. आपने लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आराम से सुना ही हुआ है, ठीक है जी. ब्लॉक की ठीक है जो लेंथेनॉइड्स में फर्स्ट सीरीज आ जाती है जो सीरियम से स्टार्ट होती है दे आर नोन एज लेंथेनॉइड. अब ये पूछ रहे हैं आपसे द साइज ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड केटायन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. आपको पता है लेंथेनॉइड सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एंटी पिनल्टीमेट एफ शेल में जाते हैं N-2F. ठीक है, पिनल्टीमेट क्या होती है N-1. जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जिस पीरियड को बिलोंग कर रहा है उससे एक पहले N-2, दैट इज एंटी पिनल्टीमेट एफ. और एफ का डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, समझ आ रही है. डी का तो है ही है, एफ का और ज्यादा डिफ्यूज्ड है. जिसका डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी. ठीक है जी, मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दी है, सेंटर में मैग्नेट है, ठीक है, ये वॉल है, वॉल में बीच बीच में होल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं है, बट डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ है. देखो बेटे, दिस इज अ वॉल, इस वॉल को देखो, इसमें बीच में होल्स हो जाएं और बीच में मैग्नेट हो, ठीक है, तो बाहर वाली पिन आराम से अट्रैक्टेड हो जाएंगी. इन द सेम वे, क्योंकि एफ सब शेल का डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. जब हम डिफ्यूज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे बिखरा हुआ है, तो यहां से स्पेस खाली हो जाती है न्यूक्लियस की तरफ, इलेक्ट्रॉन पूरे शील्ड नहीं कर पाएंगे, समझ आ रही है. तो जो एफ के बाहर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उसको जल्दी से अट्रैक्टेड फील कर जाएंगे, ठीक. तो साइज क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल. ठीक है जी, जो एफ है बेटे डी है, देखो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड पूरा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का छाया हुआ है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है. तो एफ डम्बेल है, ऐसे डबल डम्बेल है, ऐसे उसके 7 लॉब्स बनते हैं, तो वैसे ही एफ का और डिफ्यूज हो जाता है, तो वो न्यूक्लियस को इजिली स्क्रीन नहीं कर पाता, बाहर के इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता कि वो ना आए, वो आसानी से आ जाते हैं. ये स्पेस है, न्यूक्लियस आसानी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो साइज विद एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है. ठीक है जी, याद रखना इस जो चैप्टर में जब कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आपका आंसर होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे बिलोंग टू एफ सबशेल which have diffused electron cloud and due to diffused electron cloud it has poor screening effect. Samajh aa rahi hai? That is lanthanoid contraction. So the next question is transition metal fluorides are ionic in nature. Agar transition metal fluorine ke saath lage hote hain aur jo compounds bana rahe hain wo ionic hai, whereas bromide and chlorides are covalent in nature. Yes, anyone? अगर मैं किसी भी transition metal को fluorine के साथ लगा दूं और compound बनाऊं तो वो ionic बनेगा. अगर वही compound अगर bromine के साथ बनाऊं या chlorine के साथ बनाऊं तो वो covalent बनेगा. फिर yes, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हाई होती है, क्योंकि फ्लोरीन की देखो बेटे
मान लो ये एक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दे दिया, फ्लोरीन को। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, खींचेगी ना अपनी तरफ, तो उसके ऊपर डेंस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेंस पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक। मगर अगर आपके पास ब्रोमीन या क्लोरीन लगे होंगे, आपको याद है फजान रूल क्लास 11th में आता है थर्ड चैप्टर में, फजान रूल रे कहता है बेटे आयनिक बॉन्ड भी कोवलेंट बन जाता है। आयनिक बॉन्ड कोवलेंट करेक्टर कब शो करता है, जब आपका केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का बड़ा होता है। ठीक है, मान लो कि एक मेटल ने एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिए और आयनिक बॉन्ड बन गया। अब नॉन मेटल का बेटे साइज बड़ा है, नॉन मेटल का है साइज बड़ा, समझ आ रही है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा, वो उसके पास नहीं रह जाएंगे, वो इन बिटवीन आ जाएंगे। जब इन बिटवीन आ जाएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाता है, कोवलेंट। समझ आ रही है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कि जब एक कंप्लीटली ट्रांसफर करे और एक कंप्लीटली ले ले, तो एक कंप्लीट कैटायन हो और एक कंप्लीट एनायन हो। ठीक है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो दूसरे ने ले लिए, मगर जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं अगर उसका साइज बड़ा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है केटायन के पास प्रोबेबिलिटी है वापस खींचने की, तो जो बॉन्ड है वो आयनिक से क्या बन जाता है, कोवलेंट। वैसे ही बेटे अगर केटायन के ऊपर छोटा साइज होगा और उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, वो उसमें खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। केटायन जितना छोटा होता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस उतना बेयर हो गया, न्यूक्लियस मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब उसके पास 13 प्रोटॉन तो बचे हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 13 प्रोटॉन अंदर बचे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस कम हो गया, अब वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को आप अट्रैक्ट कर सकता है। ये फजान रूल क्लास प्लस वन में आता है कि आयनिक रेडियस भी कोवलेंट बन जाता है, कोवलेंसी की तरफ जाता है, जब केटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो। समझ आ रही है, और भी होती है सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, अब इतना ही समझो आप पहले तो। ठीक है जी, जब आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल लगा होगा तो बॉन्ड आयनिक होगा, जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल लगा होगा और जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड कोवलेंसी की तरफ जाएगा। समझ आ रही है, तो फ्लोराइड्स आयनिक होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, आयोडाइड और ब्रोमाइड कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है और उनकी बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री ऑफ ऑल द लैंथेनॉइड इज क्वाइट सिमिलर, बोलो जल्दी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं आपका। यस, केमिस्ट्री ऑफ ऑल द लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड क्या है, जो लैंथेनम के बाद शुरू हो रहे हैं वही सीरियम एफ ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उनकी केमिस्ट्री सेम है। कितनी बारी हमने ये चीज करी है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक ही आंसर आपका, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाता है। ठीक है, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जब केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज पे, अगर साइज में सिमिलैरिटी आ जाएंगी तो उनकी केमिस्ट्री भी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है जी, जब आपको लैंथेनॉइड के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो घूम फिर के उसका आंसर है ना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से बेटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तुसी पानी वेखो, सी योर मैच्योरिटी, यू आर इन क्लास 12। दीज आर जेईस एंड नीट स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये कल भी किया था और ये घूम के क्वेश्चन बना हुआ है फिर से,
लिसन टू मी केयरफुली, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो, क्वाइट, आइडेंटिफाई फर्स्ट रो, मैंने क्या है लिख के रखा करो, फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बाय आर्ट होनी चाहिए, 3D1 4S2 3D2 4S2 3D3 4S2 3D5 4S1 3D5 4S2 3D6 4S2 3D7 4S2 3D8 4S2 3D10 4S1 and 3D10 4S2. इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने सामने रखनी है तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे. अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस विच हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D4 and 3D6 एंड डिस्क्राइब देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. बड़ा बकवास सा क्वेश्चन है. हां जी, 3D4 और 3D6 ऐसे कौन से ट्रांजिशन मेटल में आयंस हैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं, 3D4 और 3D6 क्या दिखा सकते हैं वो. वे हाँ आंसर बिल्कुल सही दिया, Fe2 पॉजिटिव, 4 कहाँ आ जाएगा, 3 पॉजिटिव. ये देखो बेटे, क्रोमियम, जस्ट सी क्रोमियम, आपको पता है ना इसका 3D4 हो सकता है, इसके पास है ही 3D1, ना इसका 3D2 हो सकता है, ठीक है. ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव बन सकता है, 3D4 हो सकता है, अगर एक और दे तो T2G हाफ फील्ड हो जाएगी. समझ आ रही है. मैग्नीज या तो 2 देगा या 1 देगा तो वो स्टेबल नहीं होगी, तो मैग्नीज भी हो सकता है, मगर ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम दिखाता है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड हिल जाती है. देन आयरन, आयरन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो इट विल फॉर्म 3D6, और एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बना देगा, 3D5. बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं. ये क्रोमियम, आप इवन मैग्नीज भी आंसर में लिख सकते हो, ये तो नहीं देता, ये Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव शो करता है. नेक्स्ट बेटे, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये कल भी किया है. हरसिमरन, दिस इज नॉट 9th क्लास, आई विल डिडक्ट योर मार्क्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंड. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन गो DD ट्रांजिशन. कलर्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट में आपकी एक ही आंसर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. समझ आ रही है, मगर कलर्ड में आपका साथ में ऐड होना चाहिए DD ट्रांजिशन. अकेला अगर एग्जाम में अनपेयर्ड लिख के आते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाफ मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग क्लैरिटी टू द एग्जामिनर कि अनपेयर्ड के कारण क्या होता है. समझ आ रही है, ठीक है जी. नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझाए हुए है, और ये कैसे क्वेश्चन आए हुए देखो. हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैंगनीज इज Mn4 पॉजिटिव,
ठीक है, हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीज इज MnF4, वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। ये मैंने कल भी करवाया था और ये मैंने बहुत बारी करवाया आपको, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करती है। ठीक है जी, क्वेश्चन पहले क्या पूछते हैं आपसे, फ्लोराइड एंड ऑक्साइड में मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मगर हम इस कंपाउंड से पता कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होती है एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स, क्योंकि ऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन में, ऑक्साइड में नहीं, ऑक्सीजन कैन फॉर्म एट ए टाइम डबल बॉन्ड, फ्लोरीन कांट। देखो बेटे, जिसने डबल बॉन्ड एट ए टाइम बना लेने हैं ना, वो हमें मतलब एक ही चाहिए एट ए टाइम दो बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक ए टाइम वो प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जहां हमें सात फ्लोरीन की जरूरत है वहां पे प्लस सेवन दिखाने के लिए हमें, अगर प्लस सेवन ये जैसे डबल किया हुआ है तो दो मैग्नीज के लिए सेवन चाहिए, समझ आ रही है, तो एक मैग्नीज के लिए 3.5 चाहिए, यही आप कह सकते हो। अगर एक मैग्नीज के लिए सेवन फ्लोरीन चाहिए तो यहाँ पे एक मैग्नीज के लिए आपको 3.5 ऑक्सीजन चाहिए, समझ आ रही है। तो एटम्स कम आसपास लगेंगे, कम लगेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, डबल बॉन्ड बनने से ये होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता, समझ आ रही है। ट्रांजिशन मेटल, ये भी मैंने कल करवाया बेटे, एंड देयर कंपाउंड शो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कल लिखी है, कैटेलिस्ट क्यों बोलते हैं ये, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर आर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि वो जब कुछ एड्सॉर्बेशन होती है तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड, यस, एक्टिनॉइड्स आर मोस्टली बेटे रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव चीजों की केमिस्ट्री स्टडी करना बहुत मुश्किल है, और रेडियो एक्टिव के साथ साथ उनका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो बहुत कम होता है, ठीक है, आप निकालते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय के, दैट इज ए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इनका बहुत कम होता है, आप जल्दी वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, दैट इज वाई इनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, रेडिएशन के साथ कौन वर्क करे। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सारी आपने ट्रांजिशन मेटल में सेंटर में यही डाला है, साइज बड़ा होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल और साइज इज स्मॉल, ठीक है जी, ड्यू टू स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल, लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम, लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम डू नॉट शो कलरेशन इन द सोल्यूशन, वाई, ये ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन है, लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम, लैंथेनम क्या है, 5D1 6S2, ल्यूटेटियम क्या है, 5D1 4F14 6S2, ल्यूटेटियम लास्ट में पड़ा है एफ ब्लॉक के, लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है बेटे फर्स्ट सीरीज में, दैट इज ल्यूटेटियम, ये मैंने सीरीज उसने लिखवाई है आपको, तो जरा जिनकी जिन्होंने लिखी हुई है वो तो खोल के रखो जरा, अब मैंने बारी बारी नहीं करवाना ये काम। लैंथेनम के बाद सीरियम आता है, सीरियम में 4F1 में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है जी, लैंथेनम होता है 5D1 6S2, सीरियम में 4F1 में जाना शुरू हो जाता है 4F1 5D1 6S2, ठीक है, और ल्यूटेटियम में 4F फुली फिल्ड हो जाता है, दैट इज 5D1
ऐसे लिखोगे 4F14, 5D1 एंड 6S2, तो क्या आपको F में कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है अनपेयर्ड ल्यूटेटियम में जब मैं 4F14 बोल रही हूँ? आ रहा है कोई नजर? अगर मैं लैंथेनम की बात करूं, क्या 4F में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके? तो ना लैंथेनम में F में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर ल्यूटेटियम में है तो सारे पेयर्ड है, तो जो पेयर्ड होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस। जो पेयर्ड होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस। ठीक है जी। इट इज बिकॉज एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे डोंट अब्सॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड कैन नॉट अंडरगो एफ एफ ट्रांजिशन एंड डू नॉट रेडिएट द कलर। जिंक इज नॉट कंसीडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जल्दी, मैंने बहुत बारी करवाया है तो फुली फिल्ड कब? ग्राउंड एंड नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या ये प्लस 4 दिखा देगा? दिखाता है बेटे। सीरियम दैट इज 5D1, 4S1 एंड 6S2। जब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या दिखाएगा? प्लस 4। प्लस 2 दिखाने वाले कौन से हैं भाई? जल्दी बोलो जो लिख के बैठे हैं। प्लस 2 दिखाने वाले कौन से हैं? सारे सारे प्लस 3 दिखाने वाले हैं। सारे प्लस 3 दिखाने वाले हैं। हाँ जी, प्लस 2 वाले कौन से हैं? क्यों लेते हैं हम? क्यों? वो तो आई बेटे 5D1 6S2, वो तो प्लस 2 3 दिखाएगा। जो दो बेटे, दो या चार तभी दिखाता है जब वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन रहा हो। व्हेन इट इज फॉर्मिंग हाफ फील्ड और फुली फील्ड तब दो और चार दिखाता है। क्यों? पहली फुली फील्ड है वो तो। जो फुली फील्ड बने या हाफ फील्ड बने, अब सोचो आप, The allides of transition element become more covalent with increased oxidation state of metal. The allides of transition elements become more covalent with increased oxidation state of metal. अब भी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का इंक्रीज होना, मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं, इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया? छोटा। तो फजान रूल के अकॉर्डिंगली केटायन का साइज अगर छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Nature of bonding in Na2O3 and lutetium oxide. Nature of bonding बतानी आ रही है आप। बेटे ध्यान से समझो इसको। लैंथेनम लैंथेनॉइड की सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट है, ल्यूटेटियम उसी सीरीज में लास्ट एलिमेंट है। समझ आ रही है? लैंथेनम का साइज बड़ा होगा, ल्यूटेटियम का साइज छोटा होगा। अगर लैंथेनम का साइज बड़ा है तो ये ऑक्सीजन के साथ लग के आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट?
फिर मैं बोल रही हूँ, दोबारा सुनो। लेंथेन कैटायन का साइज छोटा हो तो आयनिक बॉन्ड कोवलेंसी की तरफ जाता है, केटायन का साइज बड़ा हो, ठीक है, केटायन का साइज बड़ा हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है। बेटे ऑक्साइड हेलाइड किसी भी मेटल की वैसे आयनिक ही होती है कि नहीं होती? ऑक्साइड्स और हेलाइड्स, वरुण अब ए बी सी डी नहीं है, ठीक है, ए बी सी डी नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, समझो इस बात को। और पेपर पैटर्न ये भी नहीं है कि टू मार्क्स का क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन, उसमें टू टू सब पार्ट है, कोई इशारे नहीं चल सकते। अब पहले तो बहुत कुछ हुआ है, समझ आ रही है? आपकी जो हालत है ना, मुझे पता है जिनको अभी तक कंसंट्रेशन ही नहीं आती बेटे, वो क्या करेंगे आप एग्जाम में जाके, और फिर भी आपके पास लिसनिंग पावर ही कम है। राधिका, ध्यान से इस बात को समझो, लेंथेनम से लुटेटियम, लेंथेनम सीरीज में सबसे आगे पड़ा है, लुटेटियम सीरीज में सबसे लास्ट पड़ा है। यहां से यहां जाते हुए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, यहां से यहां जाते हुए क्या होती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लुटेटियम छोटा है, लेंथेनम बड़ा है। लेंथेनम जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वापस नहीं खींच पाएगा, तो ये बॉन्ड क्या होएगा? आयनिक, ठीक है। इसका साइज क्या है? छोटा, तो ये ऑक्सीजन से फिर से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा और ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा? कोवलेंट। समझ आ रही है? इट इज बिट आयनिक एंड इट इज कोवलेंट। समझ आ गई? आज सैटरडे है, मंडे को कोऑर्डिनेशन शुरू होनी है, संडे टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ के आनी है। अब वो टाइम नहीं है कि आपको हम फिर से चैप्टर पढ़ाएं और फिर से समझाएं। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लो ना, वो गनीमत है। अब हमारे पास 20 डेज भी नहीं रह गए आपके प्री बोर्ड आने में। चैप्टर एक बारी देख, शक्ल तो देखाओ प्लीज उसकी। तो कल पूरा दिन है आपके पास और हाफ डे आज का है, तो अपना टाइम, इतनी प्रीशियस टाइम और इतने बिजी शेड्यूल से अपना थोड़ा टाइम निकाल लो, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन पढ़ के आओ। समझ आई? जब पढ़ी होगी ना, फिर जब मैं समझाऊंगी तो आपको समझ भी आएगा। नेमिंग है, वीबीटी है, सीएफटी है, बस नहीं है ना, इनको नहीं है ना, सन पूछ इनको पीछे बैठे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट, लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स, ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम। आपने ये बताना है कि लेंथेनम से लुटेटियम की तरफ जाते हुए क्या ऑक्सो सॉल्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सेम होगी क्यों? यस बेटे, डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो है वो इतने होल्ड नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन अब आसानी से। तो हमने अभी कहा कि कोवलेंसी की तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनॉइड, वो भी डिक्रीज करेगी। बेटे ये सब गए, ये क्वेश्चन ऐसे है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ 20 डेज। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर गोइंग ऑन, नो 25।